गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बना रही हूँ मैं बैंगन की सब्जी। जो छोटे वाले बैंगन होते हैं सिर्फ वही बनाऊंगी, और वो मैंने काट के रख लिए हैं, धो के रख लिए हैं। दिखाती हूँ आपको बैंगन और ये प्याज टमाटर। ये फ्रिज में रखे हुए थे, ठंडे हो गए हैं, तो इसलिए मैंने गर्म पानी में रख लिया पहले ही। अब मैं डालूँगी हाँ इसमें जीरा और अजवाइन। अब हींग, लास्ट में प्याज। प्याज हमारी हो चुकी है, हमें डाल देती हूँ टमाटर। और धनिया और हल्दी ये नमक है, क्योंकि बैंगन थोड़े हैं तो नमक में कमी डालूंगी। मसाला हमारा हो चुका है, अब डालेंगे इसमें बैंगन। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, अगर मैं तेल थोड़ा ज़्यादा डालती तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कम डाला है तेल मैंने इसके अंदर, तो मेरे को थोड़ा सा पानी डालना है जिससे जो बैंगन अच्छे से गल जाएंगे। और इसे चला के मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख दूंगी, उसके बाद सब्जी हमारी बन जाएगी। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी मिर्च, क्योंकि मेरे पास जो करी खड़ी थी तो उसके सामने मिर्च मैंने नहीं डाली थी। जब वो चली गई अब मैंने मिर्च डाली है, क्योंकि वो खाती नहीं, तो इसी वजह से मैंने मिर्च लास्ट में डाली है। तो बस इसके बाद मैं सब्जी को चला दूँगी और फिर सब्ज़ी ढक के हमारी बन जाएगी। तो सब्ज़ी यहाँ पर हो चुकी है, और दूसरी साइड ढक दिया है मैंने दूध बनने के लिए। आटा भी यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, रोटियाँ बन चुकी हैं, थोड़ा सा आटा इसमें कटोरी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रूम की क्या हालत हो रखी है। तो मैं पहले रूम साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रजाई की तह। सर्दियों में सबसे बड़ा जो काम होता है रजाई की तह लगाना ही होता है, क्योंकि थोड़ी सी हैवी होती है वो, इसी वजह से। और उसके बाद जो है थोड़े से कपड़े हैं उनके मैं उठा के रख दूँगी। और आज मतलब कपड़े तो ज़्यादा हो चुके हैं मशीन में, लेकिन आज मैं मशीन नहीं लगाऊँगी, क्योंकि आज रात को पानी आएगा तो रात को तो नहीं लगाने वाली ठंड में मशीन में, लेकिन कल दोपहर को आएगा तो कल मैं कपड़े धो लूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट भी जो झाड़ के साफ करके बिछा दी है। और उसके बाद आपको टेबल पर कुछ दिख रहा होगा, ये परी ने लेटर लिखा है सेंटा के लिए कि उसे क्या क्या चीज़ चाहिए इस क्रिसमस पे। इसने लिखा है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो इसने लिखा है आई लव यू सेंटा, और उसको चाहिए मतलब रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। लग चुका है और घर बिल्कुल साफ हो चुका है। ऊपर मैंने पंखा चला रखा है, क्योंकि पोछे लगाया तो सूख जाएगा। और मेरा पानी गर्म हो रहा, पानी गर्म होने पर नहा लूँगी। तो गाइस 9:30 हो चुके हैं, मैं अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ, पूजा मैंने कर ली है, मैं दिखा देती हूँ आपको। और जो सुबह बनाई थी मैंने बैंगन की सब्ज़ी, ये वही है, 2 रोटी और चाय, लड्डू और 2 बादाम है। सुबह का टाइम हम लोग ज़्यादातर रोटी या पराठे ही बना के खाते हैं, तो वही मेरा नाश्ता है। आप सब भी आ जाइए, खा लीजिए गर्मा गर्म रोटी और सब्जी चाय। तो गाइस 1:30 बज चुका है, अब मैं जाऊंगी परी को लेने के लिए।
सोचा उससे पहले मैं आपसे बात ही कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपसे ठीक से पाए बैठ के बात नहीं की है, सिर्फ अपना काम दिखाती रहती हूँ और मतलब वीडियो वहीं पर एंड हो जाती है, तो सोचा आज थोड़ी देर बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो काम वाम सब फिनिश हो चुका है और आज सुबह से हमारा वाईफाई नहीं आ रहा है, सुबह से ही नहीं आ रहा था, मैंने कितनी बार चेक कर लिया लेकिन नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ पता नहीं कब तक वाईफाई आएगा, क्योंकि जब आएगा वाईफाई तभी मेरी वीडियो अपलोड हो पाएगी। अभी ये रात को आए कल आए कुछ नहीं पता इसका, क्योंकि कॉल किया है कॉल वो नहीं उठा रहा है वाईफाई वाला, तब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं हुई है। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था इसीलिए मैं आज ऊपर गई थी, 3-4 बार मैं ऊपर गई देखने के लिए धूप आई है या नहीं आई है, लेकिन धूप का कोई नाम निशान तक नहीं है। आज कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए फिर मैंने नीचे आके मतलब थोड़ी देर में लेट गई थी, सोई तो नहीं थी बस लेट ही गई थी, क्योंकि जब तक परी नहीं आती मुझे नींद नहीं आती है। तो बस अब मैं थोड़ी देर में लेके आऊँगी परी को खाना पीना, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया था खाना मैंने सुबह ही बना लिया था। अब जब परी आएगी तब मैं रोटी बना लूँगी, सब्जी बनी हुई रखी है, एक दो रोटी खानी होती है तो मैं तभी बना लेती हूँ गर्म गर्म, ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती है। परी मेरी एक रोटी खाती है सिर्फ, उसमें भी फिर वही गर्म गर्म देती हूँ बना के, तो वो खा लेती है, ठंडी रोटी वो नहीं खाती, कोई भी नहीं खाता ठंडी रोटी तो खैर। और ठंड का टाइम है तो हर चीज़ गर्म गर्म ही अच्छी लगती है। अलार्म तो चलिए अलार्म बज चुका है, मैंने परी का टाइम सेट कर रखा है, क्योंकि है ना कभी कभी हम टाइम देखते हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, तो इसलिए मैंने अलार्म सेट कर रखा है, टाइम हो जाता है तो परी को लेके आ जाती हूँ और अलार्म बज चुका है अब मेरा। तो चलिए अब मैं आके बात करती हूँ आपसे। तो गाइस यहाँ पे मैं सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ, सब्ज़ी इतनी बची है क्योंकि सब्ज़ी मैं कम ही बनाती हूँ, बस पीपनी के लायक हो जाए और हमारे लोगों की धुलाई के लिए हो जाए, इतनी काफ़ी रहती है। और इस साइड मैं चाय बना रही हूँ, सिर्फ परी के लिए बनाऊँगी, उसको चाय पीनी है, स्कूल से आई है उसे चाय पीनी है, ठंड भी हो रही है। और इसके बाद मैं डाल लूँगी रोटियाँ। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, मैं प्लेट लेके आ गई हूँ, इसमें परी की चाय है और मैं अपने लिए पानी लेके आई हूँ सिर्फ। और मैंने सबसे पहले परी को भेजा था ऊपर और वो नीचे ही रुक गई है, मुझे लगा वो ऊपर आ गई होगी लेकिन वो नीचे ही है अभी तक। तो चलिए पहले हम खाना खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पर जो है परी खाना खा रही है, ये तो लगी रही है अभी एक घंटे तक, धीरे 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 धीरे। और यहाँ पर मैं दो सब्ज़ियाँ लेके आई थी, गोभी और ये है बथुआ, तो मैं ये काट के रख लेती हूँ, ये नहीं बंद गोभी है तो इनको मैं काट के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह के लिए फूल गोभी कैसे होगी, फूल गोभी दूसरी वाली होती है। मेरे तो कुछ और बनाना, क्योंकि मेरी हर फ्रेंड तो कुछ ना कुछ लाती रहती है और कभी भी ऐसी चीज नहीं लाती। क्या लेके आती रहती हैं वो, सब अलग अलग डिश। बस कर, तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ गोभी साफ, इसकी पराठे बना दूँ, अच्छे लगते हैं आपको लगते हैं, तू तो कुछ खाइए मत, कुछ अच्छा सा, कुछ अच्छा सा क्या करना, मुझे वो दे देना मैगी नहीं, छोले कुलचे, छोले कुलचे घर में बनते होंगे, छोले कुलचे नहीं मतलब बाहर से बताओ, अभी पापा को बोल देना बस वो छोले कुलचे दिन में मतलब कुछ भी दिन में समोसा दिला देना, क्योंकि हमारे वो लंच टाइम में कौन खाता है सब चीज़ें, हमारे कस्टमर के लाते हैं जाते हैं ये सब, मैं पूछ के आऊँगी मैडम से तुम्हारे, एक ना राधे लाई थी समोसे। ये पापा तुम सारे खा ली, रोटी कौन खाएगा, पे गोभी तो साफ़ हो चुकी है, अब मैं ये बथुआ साफ कर लेती हूँ। बता दो कि क्या निकला था, क्या निकला, गोभी में से कीड़े निकलते हैं, वो निकला था एक कीड़ा। हाँ मम्मी पर इतना बड़ा तो मैं कभी भी नहीं देखा, बस बस तो मैं काट लेती हूँ बथुआ। पर ये सब चीज़ जो है ना, बथुआ हो गया, अरे वो रह गया परी नीचे,
वो लेके आई थी ना धनिया, वो रह गया नीचे, वो भी काट लेती तो ले आएगी। नहीं ले आऊँगी, चलो ठीक है। पन्नी में रखा है वो। लिया फिर और ये जो खाना बचा है ना ढक के आ जाइए। काम मिला स्कूल का कुछ? हाँ, तो फिर कर ले ऊपर ही आके, ट्यूशन का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में तेरा। तो जो काम तो अपने आप कर सकती है वो तो कर ले पर ही। वो मैं कर ही नहीं सकती कुछ भी। एक काम मैंने स्कूल में कर दिया फ्रेंड्स, मैं मतलब बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, बहुत दिनों से मतलब 2-3 महीने तो हो ही गए, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी। क्योंकि मेरी भी तो थोड़े दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मी की वजह हो गई थी, है ना, भी हो गई थी ना। देखो अब जब ठीक हुई है अभी काट रही है। मम्मी बोली कि वो इसका नाम क्या, बथुआ, बथुआ बथुआ खाइए आप गोभी। मैंने बोला कि सब कि ना वो मेरी फ्रेंड चांदनी ना मुझे चिढ़ाती है कि चिढ़ा रही, बोली थी कि मैं ना खर पैग ही लाऊँगी तेरे को दे दूँगी। मैंने बोला कि ना मैं भी लेके जाऊँगी और उसको चिढ़ाऊँगी। मैंने बोला तू मेरे को देती ना मैं भी ले मैगी। ये बता मैगी कोई अच्छी चीज़ है खाने? अरे मम्मी मैं तो वो ले जाती हूँ ना थोड़ी सी, फिर मैं बात 2-3 वीक्स के बाद को पराठा दूंगी बना के। और पराठा, और पराठा तो आलू का बनवा ले, गोभी का बनवा ले। नहीं सिंपल पराठा और जैम। नहीं जैम हम नहीं, जैम प्लीज ना, आप मेरे को मैगी तो ले जानी देनी थी तो जैम तो मम्मी चलते ही है। सब्जी ले जाएगी साथ में, जैम ले जाएगी लेकिन सब्जी भी ले जाएगी। कौन सी? जो बनेगी। बथुआ कैसा बनता है? मतलब गोभी से अच्छा बनता है जो? हाँ दोनों सब्जी अच्छी बनती है। अच्छा तो बथुआ बना दे, बथुआ बना देना ठीक है। ठीक है तो जैम, और जैम के साथ साथ ना कोई चीज़ खीर में बता रही हूँ क्या चीज़ में, जैसे कि चॉकलेट। बस कर बस कर, बता रही हूँ ना दो चीज़ की, चॉकलेट नहीं तो चॉकलेट नहीं तो एक जो डोर जो केक आता है ना वो तो एक चिप्स का पैकेट। नहीं खासी ठीक कर ले पहले, बस चॉकलेट या चिप्स का पैकेट। पापा से बोल दियो दिला देंगे तेरे को। पापा से याद आया रखा था एक चिप्स का पैकेट वो ले जाऊंगी, और पापा वो ले जाऊंगी और पापा ना मुझे चॉकलेट और जैम दिला देंगे। पापा से मैं ना मैं आज शाम को बोलूँगी पापा मेरे को ना चाय के साथ खाने हैं तो, और ना मैं वो अब वहाँ पर रख दूँगी एक सीक्रेट जगह पर, और जब कल होगी फिर कल अपने बैग में रख लूँगी चुपके से, और पापा को बोलूँगी पापा जी मुझे ना एक चॉकलेट दिला देना और जैम, और मैं साथ में सब्जी भी ले जा रही हूँ। पापा दिला देंगे फिर मेरे पास दो दो चीज़ होती। यस यस सॉरी कि भी प्लान पे वो फेल होएगा या पास। देखो मैं पूरे दो मिनट की वीडियो बन गई। देखिए मैं खाना भी खा चुकी हूँ, देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा। एक मिनट कल मैं लेट आती हूँ फिर दिखेगा आपको, मैं भी और खाना भी वो तेज की रोशनी पड़ रही है। तो ये जो सब्जी है ये है बैंगन, है ना बैंगन, और मैंने चाय बनवाई थी, चाय और रोटी, और मैंने चार पापे खाया फिर तभी भी मैंने रोटी खाई है, तो फ्रेंड्स मैंने कितना खाया होगा ओ, मैं एक दिन 3.5 रोटी खाई थी, 3.5 सोचो मम्मी 3.5 ही थी, मतलब मैं एक दिन में भी नहीं खाती, एक दिन में मैं 2 रोटी खाती हूँ, एक 2 रोटी नहीं तो 3 रोटी खाती हूँ एक दिन में।
ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स। हाय परी आप देख रही हो, ये परी आप देख रहे हो द, 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 द। अच्छी लग रही थी। कौन आप दिखाती हूँ दिखा, आप दिख रही हो देख रहे हो फ्रेंड्स मम्मी की, देखो फ्रेंड्स मम्मी आज जी कितनी सुंदर लग रही है ना, लग जा रहा एकदम टॉप की फोरी हो रहा था इसलिए ना मैंने बैक कैमरा करके कर लिया। देखिए देखिए मैं अपना वो चलो ऐसे ही दिखा लूँगी। हाँ देखिए वो मुझे लगता है कि वो झूला है, अगर झूला था तो अच्छा लगता तो मैं उस पर झूलती भी। देखो ये जो तार है ना मतलब ये जो है रस्सी ये जो रस्सी है और मैं मन करता है जो वो होता है ना लड़ खटोला है ना लड़ खटोला होता है ना जो ऐसे ले जाता है, मेरे को लगता है मैं छोटी हो जाऊँ और इसके ऊपर बैठ जाऊँ, मम्मी ऐसी रहे बड़ी और मेरे को ऐसे करके हाँ तक झुलाए, मेरे को मज़ा आए। संगली संगली नैना सच में जाना संगली संगली नैना बिच मेरा नाम ले ओ, 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 संगली संगली नैना बिच मेरा नाम लेने आज ठीक है। चलिए तब किचन में चलते हैं, 6:30 हो चुके हैं और यहाँ पे परी अपना काम कर रही है। किचन में थोड़े से बर्तन हैं वो साफ करने हैं और क्या बनेगा अभी इसका कुछ नहीं पता, क्या बनेगा कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने अभी। चलो देखते हैं पहले बर्तन साफ कर लेते हैं, किचन साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं फ्लैप को साफ कर लेती हूँ क्योंकि बर्तन रखने के लिए जगह चाहिए, तो वो साफ़ करने के बाद अब मैं करूँगी बर्तन को साफ। और मैंने स्टीफन में थोड़ा सा गर्म पानी कर रखा है क्योंकि सुबह शाम की ठंड है, तो इसमें जो मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर रखा है तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है गर्म पानी में बर्तन को मांगा। और उसके बाद ठंडे पानी से मैं धो लूँगी वही कढ़ाई या कढ़ाई मतलब उस टाइम बाद जो है से लेती हूँ तो पहले साफ कर देती हूँ बर्तन भी वो भी साफ हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और उनका शाम का काम जो है वो तो ऑलमोस्ट खत्म से ही है क्योंकि मिठाई की सब्जी रखी है थोड़ी सी और आटा भी रखा है, तो देखती हूँ अगर सही पता ही देखती हूँ सुबह चाहिए खा लें तो ठीक है, नहीं तो देखती हूँ शाम को क्या बनेगा क्योंकि अभी कोई डिसाइड नहीं बनना क्या है। अभी तो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ तो चाय बनाऊँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या खाऊँगी बोलेंगे वही सब्जी खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। और तो यहाँ पे बर्तन में मांग चुकी हूँ, उसे धोने बाकी है, वो धो के मेरा काम खत्म हो गया, उसके बाद जाने पूजा करने के लिए। और परी ने जो है अपना मेहनत कर लिया है वो ऊपर चली गई है और बोल के लिए इसका टाइम टेबल लगाना है मुझे, तो हमें लगा देती हूँ परी का टाइम टेबल। काम करके अपन जा चुकी है ऊपर, उसे सबसे बड़ा हाल का सपना टाइम टेबल लगाने में आता है, तो उसका मैं बैक सेट कर देती हूँ। तो आज मैंने शाम का टाइम पास्ता बनाया है और सब्जी नहीं बनाई है। टाइम 9:30 का हो चुका है
और मैं परी के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, उसे दोबारा से फीवर हो गया है, तो जो मैंने पास्ता बनाया था उसने नहीं खाया। ये कॉफ़ी और मैं ये पाली जी के बिस्किट लेके आई थी, वो खा लेगी कॉफ़ी के साथ में। और यहाँ पे परी के लिए थोड़ा सा तेल बना रही हूँ जॉइन का, क्योंकि उसे जो बुखार हो रहा है बार बार वो ठंड की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं पेट वेट पे और पैरों पर जो है तेल लगा बना के लगा दूँगी, तो उसे भी काफ़ी आराम मिलता है। और दवाई उसकी रखी हुई है बुखार की, वो दे दूँगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।